अस्सलामु अलैकुम, आप सब लोगों को ईद उल फितर की ढेर सारी मुबारकबाद। और बस ईद मुबारक विश करना, इसलिए आपको मैं आज ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग जैसे अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ ईद उल फितर की। और अभी नाजिया अंदर ज़रा अपनी शेर कुमा और बिरयानी तैयारी कर रही है। कल तो शायद उसने बताया था कि बिरयानी की जो आधी प्रिपरेशन कर दी है, इवन शेर कुमा की आधी प्रिपरेशन हो गई है। एक आधे पौने घंटे काम है उसका, शेर कुमा बिरयानी दोनों बन जाएगी आधे पौने घंटे, जहाँ तक मुझे पता है जैसे उसने प्रिपरेशन किया है वो हिसाब से। लेट अस सी, फिर मैं टेस्ट करूँगा शेर कुमा, फिर हम लोग जाएंगे, शायद हम भी यहाँ शायद जाएंगे, कंफर्म किया जाएंगे और हर साल जाते हैं। बस आएगा ब्लॉग अभी नाजो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। और फिर से एक बार ईद उल फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद आप लोगों को, अच्छे से ईद मनाओ एकदम कूल रह के। और एक और मैं बस अपने दिल की बात शेयर करना चाहता था, तो मुझे जो मेरा पर्सनल है कि बस एक छोटा सी बात है जो मेरे मन में बहुत मतलब मेरे मन में थी, बस बोलना चाह रहा था मैं कि अपन जो रमज़ान के महीने में थोड़ा अपन गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखो। मेरी भी कोशिश ये रही कि मैं भी थोड़े बहुत गलतियाँ होती है जो अपने को पता है गलत है वो ना हो, उसको जो अपन रमज़ान में कंट्रोल करते हैं उसको मेंटेन रखो, ठीक है। चलिए देन बाबा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, आएगा वक्त नाजो ब्लॉग नाजो कंटिन्यू करेगी। ओके, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? मैं अभी ईद मुबारक नहीं बोलूंगी। क्यों? जब मैं नहाऊंगी, मैं नमाज पढ़ूंगी, तब मैं ईद मुबारक बोलूंगी। मैंने नमाज नहीं पढ़ी ना, वैसे फिर भी ईद मुबारक। मोस्ट ऑफ लेडीज लोग का नमाज लेट ही होती है ना, सब तैयारी करने के बाद ही होती है ना, मतलब काम करने के बाद 11 बजे तक पढ़ सकते हैं। हाँ सही बात है, आप लोग पता ना जमाने बाद शायद ऐसा घर की चाय पीने वाले, सुबह सुबह की फर्स्ट चाय। लाइट चालू करो यार, नीचे का बटन, ऐसा नीचे का बटन, क्योंकि शहरी में ये चाय नहीं पीने ना। हाँ मैं शहरी में चाय नहीं पीता, चाय नहीं पी सुबह में। हाँ मैं शहरी में क्या करता पता, मेरा सिंपल था दूध और खजूर, है ना, बताए ना, बस शहरी में कुछ होता है मुझे खाने के लिए, इसके लिए मैंने बताया कि तूने बिरयानी प्रिपरेशन कर रही है और इसकी शेर कुंभ की जो तेरे आधे पौने घंटे शायद दोनों हो जाएगा, है ना। मैं सुबह 6 बजे तक की बिरयानी, मेरा शेर कुंभ सब रेडी रहता है। इस बार क्या हुआ, मैं ना नॉन स्टॉप काम, कल से कंटिन्यू वर्किंग डे नाइट, डे नाइट शिफ्ट की ना, डे नाइट मेरी। आप लोगों को पता है मैंने ऐसा काम किया था कि मुझे चांद रात को बिल्कुल काम नहीं करना पड़े, मैंने ऐसा पूरा तैयार किया था। पर चांद रात को मैं मार्केट निकल गई और बाबा वो बच्ची की चप्पल एक अच्छी से ऐसी थी कि मतलब मिल नहीं रही थी, सुबह के 3:30-4 बज गए मेरे को घर पे आने। तो उसके लिए मेरे को थकावट इतनी हो गई ना, मैं जाके 1 घंटा सोती बोली इनको, मैं 1 घंटा कब 2 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। बड़ा भी तेरा फ्रेश फील हो रहा है कि नहीं? नहीं, क्योंकि बदन ऐसा भारी है, जैसे लग रहा ना कि मेरे को 14-15 घंटा सोने का। देखो मेरे को पत्नी में तो ये मैंने ना मसाला तैयार करके कल ही रख लिया था, ठीक है। चावल को मैंने सोने से पहले 2 घंटा पहले मैंने भिगा लिया, बताओ ये, ठीक है। अभी बस बड़ा टोप निकालूंगी, उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दूंगी। और हमारे पास बड़ा बोले तो फिर बहुत बड़ा टोप है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। इसमें शिरकुमा बनाना चाहिए था और उसमें बिरयानी बनाना चाहिए था, इसमें शिरकुमा उबल के बाहर ही चाह जाता था। अच्छा ऐसा क्या, इसके लिए बड़ा पतीला है दूध। देखो तो कितने लीटर का बना रही है? 3 लीटर का। तो इसके लिए दूध बॉयल हो जाएगा, शिरकुरमे का भी इतना कुछ टेंशन नहीं, मैंने शिरकुरमे का भी फ्राई वगैरह करके, मैंने बोला कितने ऑलरेडी आधी प्रिपरेशन सबकी हो चुकी है, जिससे वो फ्रूट काटना वगैरह, फ्रूट बोल रहे ड्राई फ्रूट कटिंग वगैरह से करे ना, सब हो गया। देखो ना मैंने उनको बनाती हूं। अच्छा अंदर सीक्रेट दिखाने का नहीं क्या? हां फ्रीजर का सीक्रेट दिखाने का नहीं है? नहीं वैसे नहीं, मैंने कैसे ना, अभी फ्रिज बहुत ज्यादा भरी पड़ी है मेरी। काजू बादाम ये मिक्स है क्या? बादाम और पिस्ता, पिस्ता बस कुछ नहीं, इसको मेरे को फ्राइज़न में डाल लेगा, थोड़ा और रोस्ट कर लिया, छर्र करके बगड़ देंगे, बच्चे मेरे सो रहे, फटाफट मेरा हो जाएगा। सही बोले इंशाल्लाह, चलो तुम आराम करो, मैं
मतलब सबसे छोटा टॉप वहाँ पे कौन सा होगा बताओ। अपना शिव कुमार तैयार हो गए, फोटो की तो मस्त आ रही है, मस्त फोटो आ रही है। श्योर, तो गाइस देख सकते हैं आप अपना शिव कुमार जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है, तो मस्त खाने में माशाल्लाह। लेकिन एक शॉर्ट हो गया शिरकुरमा, तो तुमको अच्छा लगेगा। मुझे पता है, तुमने बताया नहीं मेरे को अभी। इनकी शिरकुरमा तो बहुत अच्छा लगने वाला है, लेकिन हकीकत बोलू बताओ तुम। मैं तो ये बोलना गाइस, मैंने ना, मेरे को सच्ची में आदमी है, मेरा मुंह दिख रहा ना कि खाली कुर्सी में दिख रहा दिख रहा। मेरे को सच में आदमी है, बिरयानी अपनी जब रेडी की थी तो नमक डाली थी क्या, डाली थी और डाली तो बराबर डाली या कम डाली कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि बिरयानी भी अपनी के अंदर मैं दो टाइम नमक करके डालती हूँ। मुझे सच में नहीं याद है कि मैंने नमक का क्या शौक, नमक डाली कि नहीं। हाँ, अब मुझे नहीं मालूम, जैसा भी रहेगा खा लेना चुपचाप। अभी कितना बज रहा है? 9:15। अभी देखो इसके अंदर खुद माशाल्लाह इतने अच्छे ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट लेकिन फिर भी ये क्यों रखती हुआ बताना पड़ेगा ना। मालूम है, कभी अचानक से मन करता है अभी बनाने का, और ऊपर से ये ऐसे थोड़ा सी गार्निश करे, गार्निश करके खाते ना ज्यादा क्रिस्पी बनाता है, मजा लगता है। ठीक है गाइस, तो आप भी बनाओ, आप भी खाओ। मेरे हिंदू भाई बहन बहुत तरसते हैं शिरकुरमा खाने में, वो कमेंट करके बोलते हैं नाइजा भाजी किसी दिन तो खिला दो आपके यहाँ। इंशाल्लाह जब भी अपन करेंगे ना, अगर इन फ्यूचर कुछ अपने जो प्लान किया था ना हकीके का, तो जब सब्सक्राइबरों को बुलाएंगे गाइस इंशाल्लाह। देखो आज अकेले अकेले बिना उजमा के, हमेशा ही अकेले खाते ना, बाद में उजमा के साथ वापस खाते ना। और फिर ना 1:30 बजे तक इनकी कहानी खत्म हो जाती है, फिर इनको नींद आती है। पक्का रमजान के जो ईद की मस्जिद को जो बनता ना, उसमें एक अलग ही टेस्ट होता है ना, बाकी तो हमें बनाएगी ना, क्योंकि रमजान में हर कोई शिरकुरमा दिल से बनाता है, चाहे उसमें कितनी भी मेहनत हो। नॉर्मल टाइम पे शिरकुरमा बनाने बोलते तो मुंह आड़ टेढ़ हो जाते, और जो बिना छिलके काजू बादाम ऐसे बना देते बिना मेहनत वाला तो ऐसा, क्योंकि गाइस शिरकुरमा बनाने में जो सबसे ज्यादा मेहनत होती है वो तो ड्राई फ्रूट के पीछे। अलग बनेंगे कुछ तो, एक बार तो बनाती अमूल दूध से बनाती है, एक बार तो गोकुल दूध से बनाया, फिर भी टेस्ट वैसा ही है, मस्त है। पर गोकुल दूध तो ज़्यादा अच्छा होता है, वही तो गोकुल ज़्यादा अच्छा होता है, तो शायद इसमें कोई अलग टेस्ट आ रही थी, वैसा सेम जिस तरह हमेशा बनता ना वैसे ही बना। अरे तो फिर भी तारीफ हुई कि क्या हुआ, वही तो बात है, रमजान के शिल्प में बात ही हुई है, जैसे बनाए टेस्ट अच्छा ही आता, चाहे कुछ भी दूध से बनाओ। अच्छा गाइस, मैं इतना शिरकुरमा ना इन्हीं के लिए बनाती हूँ, इन्हीं के लिए चार चार दिन तक के खाते कि कहाँ है तो गाइस ना एक्चुअली मेरे को शिरकुरमा इतना पसंद है ना, कि पहले से पसंद है, आज से नहीं, क्या पहले से ही पसंद है, बहुत पहले से। हाँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, तो ऐसा, जबकि मैं शिरकुरमा ना बहुत कम ही खाती हूँ, मुझे खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऐसा। चलो कोई नहीं, मुझे शिरकुरमा पसंद है, पता है कब, आज का बनाओ और कल तक के फ्रिज में रखा हो, 24 घंटे के बाद फ्रिज में से निकाल के खाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा शिरकुरमा। चलो अभी ना मैं बिरयानी को दम पे छोड़ के जाके नहाती और नमाज़ पढ़ती, अभी मैं इसके नीचे तवा रखूँगी, क्योंकि ये जो टोप है ना मेरा बहुत पतला है, बहुत बोलो तो ठन ठन आवाज़ आती है इसमें, जल्दी मैं कुछ बनाती नहीं हूँ, ये भी शादी में गिफ्ट आया था। ठीक है, तो लेकिन अभी तवा रख दूँगी तो अच्छे से दम हो जाएगा। बाकी अच्छा ईद मुबारक। Thank you.
नहीं आप अभी बड़े हो गए, अभी बड़े हो गए। अरे तो भी रे दो रुपए दी थी, दो रुपए बैठे में शुरू करवा लाती चटाई था ना आप नीचे बैठेंगे ना। माशाल्लाह मेरे को ऐसा लगा था कि मेरा शिरकुरमा आज रेडी नहीं होगा, पर मेरा टाइम पे शिरकुरमा रेडी हुआ। चलो सब इधर देखो, यहाँ पे चप्पल दिख रही है, यहाँ देखो शेरू नहीं चलेगा, चलेगा हाँ माशाल्लाह अल्लाह कबूल करे। तुम भी ना अजीब है, खुद से तो कुछ हो रहा नहीं, जो रख रहा उसको कुछ भी बोल रहे, लेकिन भाई चुप कैसे बैठे थे मतलब? हाँ अनस भाई चुप कैसे बैठे ऐसा 10 दिन? अनस भाई 10 दिन के एहतिकाफ में बैठे थे। सही में मैं मेरे भाई को बोली जरा 10 मिनट और रुक जा, बिरयानी दम पे खा के जाना तुम लोग। तो रियाज बोला ज्यादा ज्यादा मत देना, अगर सिर्फ तो टेस्ट कराएंगे तो हम लोग खा के जाएंगे। तो ये क्या बोलते उसको बोलो करना बेचारा खाने से पहले हो जाएगा लाइन लगी थी, मतलब वो जो ऑर्डर की बिरयानी बनती ना एक साथ लाइन से एकदम लंबी रोड पे वो सबके घरों से आया होगा ना ऑर्डर। क्या बात कर रहे हो, नाम लिखते तो अपने लोग इतने सारे इतना बर्तन है वही सही बात। लेकिन अपने से टोप नहीं मांगा ना, अपने से पहले ऑर्डर दे देंगे। मैं से हमेशा बाहर से मंगाती रहती खाना, ईद में बाहर से नहीं मंगाती। हां हम लोग ईद में मतलब कभी शायद बाहर से घर पे बनता है, लेकिन वाली बोले बोले नॉन वेज। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अब मैं कह सकती हूँ ईद मुबारक क्योंकि मैं नमाज पढ़ के आ चुकी हूँ और अभी मैंने दुपट्टा वगैरह खोला है और मैंने बाल बाल पीछे बांधा है, तो फिर मैं वही सेम उंगलियों में दिख रही होंगी, कोई बात नहीं। उल्टा मैंने चेन वेन भी निकाल दी जो ऑलरेडी थी क्योंकि मैं तैयार होने जा रही थी, लेकिन दिमाग में एक बात आई तो मैं भाईजान से आपके वही बात कर रही थी कि उठने वाला अभी 2 मिनट। आपके भाईजान को वही बोल रही थी, हर साल एक ही बच्चे को तैयार करना पड़ता था, ये साल दो दो है, आजम की पहली ही दे देखो सो रहे मेरे दोनों प्यारे प्यारे से बच्चे। ठीक है उठ जा आजम, ईद मुबारक उठो। अच्छा इसको सोने दो, मैं पूरा तैयार होने के बाद इसको कैसे मैं मतलब वो करूँगी, निलाऊंगी निलाऊंगी। तुम्हें चेंज करने वाले क्या पठानी? तो आजम को क्या पहनाएंगे, वाइट पठानी, ग्रीन पठानी, ब्लैक पठानी, वाइट के साथ ग्रीन टोपी, ग्रीन पटानी भी है, वाइट बनाएंगे। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बंगड़ी वगैरह पहन लेती हूँ गाइस। मेरी बंगड़ी वगैरह ये वाले रूम को हम लोग ने फिर से सजावट का स्टोर बना दिया। देखो सारे ना ईद का सामान जो भी हमने लाए वो ऐसे रखे, क्योंकि ना अंदर डालती ना मैं तो भूल जाती कि कौन सी दहली कहाँ, इसके लिए हमने यहीं पर रखा। हमें खास करके ना फंक्शन हो, शादी हो, ये कुछ भी होगा ना, तो ये रूम में जब से आई हूँ मैं ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि मिल जाता है जगह पे, सामने मिल जाता है। मतलब कि आजम अगर परेशान भी कर रहा है ना तो मुझे मालूम होता है इसमें ही कहीं ना कहीं होगा, ज़्यादा कपड़ वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी आएंगे भाई लोग वापस। अच्छा मैं बिरयानी का एक लुक आप लोगों को बता देती हूँ, ये जानेमाज रख देती पहले मैं बिरयानी का एक लुक आप लोगों को दिखाती। देखो मैंने बीच में खोल के देखा था कि
कि मसाला पका के नहीं पका, ठीक है, क्योंकि मैंने ये टोप मैंने बोला ना जिस हाँ पक गया, ये जो टोप है ये थोड़ा पतला था तो मैंने वो रखा इसके नीचे तवा, तो तवा रखने के बाद थोड़ा ज़्यादा था मैं समय लगा इसको पकने, लेकिन पक गई, ठीक है माशाल्लाह। मैं पूछी आपके भाई जिनको खाते क्या बिरयानी तो मना किए, क्यों नहीं खा रहे, देती ना थोड़ा सी बिरयानी, अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं। सो गाइस अभी मैंने खा ली बिरयानी, ठीक है, ये देखो मसाला देख रहे हो, आए मेरे भाई लोग वापस, दो मिनट अभी लेट पहुँचने का। मैं ना इन लोग का जेन्युइन रिव्यू लूँगी क्योंकि मेरे को नहीं मालूम ना नमक का, मैंने आप लोग को बोलिया, अभी लोग ही बताएंगे नमक कड़वा तिखा, सही बोलने का भाई आनंद भाई सही बोलने का। तो खाओ ना, मैंने मना की क्या, तुम लोग बोले एक प्लेट में दो बोल के, तो हम लोग चार देना पहले, अच्छा एक एक बढ़ गया, हम लोग क्या मालूम था बोटी है क्या उसमें, रस तो कुछ बोला ही नहीं, मतलब अच्छी नहीं बनी पक्का, मसाला तेरी तरफ आया ही नहीं लगता, झूठ नहीं बोलना, नमक बराबर है क्या, डाली हूँ मैंने नमक, मैंने डाली हूँ नमक, हाँ फैसल भाई सही है सही है, झूठ नहीं बोलना क्योंकि आज की बिरयानी में मेरे को डाउट है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा पूछ रही हूँ, थैंक यू। चलो तो कुछ बोल रहा ही नहीं, क्या हो रहा है चलो, नहीं अच्छी बनी नूर आजकल, अच्छी बिरयानी बनाने लगी है ना, जब छोटे घर पे गई थी ना तभी उन्होंने कहा था, मैं खाने के बाद बताता, क्या बेटा जब छोटे घर पे थे ना ये लोग, जब नानी के उधर गई थी तभी उन्होंने कहा था मैं खाने के बाद बताता। आज मेरी बेटी ने सोने का कान का निकाल के ये अलग कान का पहनी, दुख रहा था नहीं ना, अभी अभी दुख रहा, चलो कहा सुखा चावल दू, गोश्त डालू, हाँ है माशाल्लाह माशाल्लाह, खड़ा करो इसको थोड़ा खड़ा करो, हाँ बना रही बेटा, अले बाबले अजू सीधा खड़ा करो ना, ऐसे तुम तुम्हारी तरह पीट करो ना उसकी, टोपी अच्छी लग रही, ये वाला पहना लो, चलो ये गाइस थोड़ा टाइट हो रहा है उसको, अनकंफर्टेबल रहेंगे वो, इसके लिए निकाल रहे राइट वाला, अच्छा लग रहा है लेकिन ये वाला बिना, एक फोटो खींचने नहीं दे रहा तो हाथ डालो, तुम्हारा ही हाथ आ रहा है, हटालो हाथ हटालो, अच्छा लग रहा है, तुम टोपी पहन के रखो, उसको टोपी में उलझन हो रही है एक्चुअली, और ये देख रहा है उसका फेवरेट चीज, हाँ टमाटर बड़े मज़ेदार है ना, तो मेरा फेवरेट है ना ये, एक बार पहन के दिखो अपने व्यूवर्स को, अच्छा हीरो नहीं अच्छा चल निकाल दे बस, चल बस चल नौटंकी, आ गया हीरोइन लग रही है ना जो, ये मेरा बच्चा कोई तंग कर रहा था, तो गाइस मेरी बेटी हो गई तैयार और उसके अब्बा उसको जूती पहना रहे थे, उसमें खड़े रहे बेटा कौन से एंगल से लू, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा, नहीं नहीं बाबा सब उसमें, यहाँ जा उसमें यहाँ पीछे जा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, एकदम मॉडल के जैसा बाबू मैंने तैयार की ना, ये ड्रेस की जो मॉडल थी ना गाइस उससे ज्यादा अच्छी लग रही है, उसने कुछ ऐसी बाल बनाई थी, ऐसी तैयार हुई थी, मैंने देख ली थी कैटलॉग पे, तो मैंने वैसे तैयार करने की इसको कोशिश की, कैसी लग रही जरूर बताना,
बाल भी मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश की। चलो निकल दो, है ना, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी क्या बोल रही है? हाँ ठीक है, हाँ ये सोने, गरीब के बच्चे सो नहीं सकते, को लेके चलने का, तेरे को चलने का हम लोग के साथ? नहीं। हाँ सर, उसको बोलो रात में चलने का तो तैयार हो, टोपी पे, टोपी उतार रहे पड़ा से, नहीं पहना टोपी। बता नहीं आ जा तुमको देखने जाने का चेहरा इसमें, एक बार यहाँ देख, यहाँ देख ना, सिर्फ नजर यहाँ कर, नजर उसमें अजमा, ऐसा है मुंडी वैसी नजर इधर खाली, ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा करे सर, हाँ याद है, माशाल्लाह इधर आ, थोड़ा सा हम थोड़ा इधर आओ, ठीक है पूरा गेटअप दिखाओ जरा, आजा ए आजा इधर, तू आजा आओ, हाँ मस्त लग रही है, मस्त माशाल्लाह लग रही है, आजा रबर सही से है ना? हाँ रबर सही, हाँ मेरे बच्चे इधर आ, तू पहली बार मतलब तरीके में घर से निकल रहे हैं, हाँ ले सही लग रही है, दुपट्टा ले ले पटक सर क्या, चलो आजम खुद अकेले बाहर जा रहा है, आजम आज ही दीवार्स ने मेरा मुंह भी नहीं देखे, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है वो, तू सही में जल्दी जाके वो मेरी गलती है, मैंने खुद जाके माफ नहीं दी, मैंने कपड़ा भी जा दी तो उन्होंने बहुत ज्यादा हाई वेस्ट बना लिया। क्या बोलते छोरे? वालेकुम सलाम, बोलने का भी रहता है कुछ बोली नहीं, उसमें तो क्या बोली, कुछ नहीं बोली, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, तो रहने तुम, हमारी पार्टी का आई नहीं तो हमारी पार्टी का ही नहीं है, हाँ सही बात है, तू गुंडा है, चल मत हेलो मत, तू ईदी ले पहली ईदी सीधे हाथ से लेने का छुपा के रख देंगे। गाइस मुझे भी ईदी मिली, मेरे आदमी ने मेरे को बहुत अच्छी दी, है ना, सबसे पहली ईदी मिली ना, 10 रुपए आई है ये, 500 रुपए मेरे 500 की नोट है वो, मैंने अम्मी को सबसे पहले ईदी दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे ईदी दी, है ना, 10 रुपए 1000 वो 10 रुपए भी बहुत बड़ा है गाइस, पता है पर कितने थे, नहीं से तो हद है, करीब 2-3 साल कुछ भी नहीं दिए थे, तुम्हारे लिए 10 ही रुपये दे दूँ, मैं बस एक हज़ार 100 रुपये बोल रही, तो पिछले साल मांगी थी 10 रुपये कैसा मार तेरे बच्चे को मेरे, पिछले साल 10 रुपये मांगी थी, इस बार याद से दिए, तो उससे कीमती क्या आएगा कि याद से 10 रुपये दी, याद से समझ रहे हो उसका मतलब क्या होता, कितना महंगा होता, कितनी वैल्यूएबल 10 रुपए उसकी, बिल्कुल बहुत तरक्की दे, अभी सुमा में क्या है तो कल उसका कुछ डबल ट्रिपल 10 गुना 10,000 फिर मेरे को ही दी दे, आमीन आमीन सुमा आमीन, मैंने बाहर देख ली मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा, चलो 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 अच्छी को ही दी दो, तुम दिया सबसे पहले ही दी, कौन देना कुछ सबसे पहले गले में तेरे किसका पैसा गया, फिर उल्टे आदमी के लिए पर्स में किसका पैसा गया, अभी गया ना अम्मी का, अरे वाह अच्छा अच्छा उसमें कहाँ भी लेके घूमेगी वो, सही है, 5 रुपये डाल दो उसके लिए, अम्मी आपने 500 रुपये दिए, अब मैंने 5 रुपये दिए, 5 रुपये पर्स में डालने के लिए बैठते हैं, ले ऐसे खाली पर्स नहीं लेके जाते, बात पैसा तो नोट ले, वो तो फैंटम, ले ले इस्माइल इस्माइल कैसा लगा मेरा बच्चा, इसमें ये ले रहे,
पर्स में सा पर्स खाली रखते इसलिए बोलो चिल्ला डाल के रख ले टेक 5 रुपीज मोर एंड कीप इन योर पर्स क्या रे तू नींद आ रही क्या तेरे को नहीं ना अरे हाँ बोल पिलाओ अरे मैच भी हो रहा है दूसरा का है चल भाई आ जाओ एक कुछ नहीं पहन रहा गाइस सब मैचिंग मैचिंग लेके आए ले हम लोग इसके लिए सब निकाल के फेंक रहा है देखो टोपी भी निकाल के फेंक रहा कितना अच्छा लगेगा भैया बताओ है देखो ये देखो ये देखो ये देखो चल लेकिन पहन रहा नहीं सब निकाल निकाल के फेंक रहा अरे चल चल आ जाओ ईद मुबारक तो हम लोग जा रहे हैं अभी अम्मी अब्बा से ईद मिलने के लिए ठीक है मैं वहाँ जाके कोई ब्लॉग शूट नहीं करने वाली इसलिए मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ अल्लाह हाफिज़ बाबा अपना ख्याल रखना अपनी दुआ में याद रखना दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज़ सोच रहे हैं मैं वहाँ जाके ब्लॉग शूट करूँगी तो ये ईद ही है कि मैं वहाँ जाके कोई शूट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि कितना भी अच्छा हो जिंदगी मैं उतार चढ़ाव अच्छे बुरे वक्त आते हैं लेकिन लूप होल निकालना टिप्पणियाँ करना क्योंकि मौके हम लोग देते हैं ना तो मैं नहीं दूंगी अब से सॉरी मुझे माफ़ करना जो लोग प्यार करते हो उन लोग से माफ़ी मांग रही तो मैं तब तक के वहाँ ब्लॉग नहीं शूट करूँगी जब तक वहाँ वाले ब्लॉग चालू नहीं करेंगे क्या हो रहा है वहाँ पर ब्लॉग नहीं चालू हो रहा और मैं अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ आधी अधूरी जानकारी आधा अधूरा चीज़ देख के बहुत ज़्यादा जज होता है तो मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं क्यों मेरी वजह से आप लोग देखते हो तो मुझे भी आके सुनाते हो तो मेरे को चाहिए ही नहीं वो चीज़ क्यों चिल्ला रहे हो एक फोटो ढंग से साथ में नहीं जाया अब कैसे चिपक के बैठे रहे हम कैसे चिपक के कैब के जाँच वो तो आ ही रहे हमारी कैब के आप लोगों को भी मेरी तरफ से फूड जायका की तरफ से सबकी तरफ से ईद मुबारक जोनी उसमें सीधे बैठ बैठ बैठना मुस्कुरा दादा आवाज दे मजे में उसको सिर्फ मस्ती सुझ रही ली फोटो ये देखो मेरी उसमें देखो कितनी प्यारी लग रही है उसमें सीधे खड़ माँ गाइस हम लोग शाम में घर पे आ गए और आके सो गए और ऐसा सोए ये देखो बीच बीच में उठते गए वापस करते गए उठते गए वापस रात के 10 बज रहे पूरी थकावट हो गई थी देखो तुम्हारे भाईजान एक्चुअली कैसा आपके भाई जान आधे घंटे में आने वाले थे पर वो आने के लिए उनको लग गया 1.5 से 2 घंटा गए थे तो मेरी भी आंख लग गई भी आराम करी अब ये जब आए तो मैं नींद में थी मैं सोची 10 मिनट लेट के आके वापस फिर जाएंगे बच्ची को लेके घूमने ईद बच्चों की चौथी शाम अपन दिन में उस रिश्तेदारों के पास ही घूमते अभी मैं उसको अम्मी की तरह लेके चले आती हूँ अम्मी की तरह वो खुश होती है लेकिन आज वो हम लोग वहाँ ज़्यादा टाइम रुके नहीं मैं बोले चलो मारवे लेके जाएंगे बच्ची को इन्हें आए इन्हें भी सो गए 2 घंटा मस्त उठ रहे 9:30 बजे जब अभी 10 बज रहे मैं बोली लेके तो भी चलो 1 घंटे के लिए चलो गाइस ये ब्लॉग को हम लोग ना एंड करते हैं ये सुबह से कल रात से चल रहा है ईद मुबारक फिर से एक बार और कल के लिए बासी मुबारक इन एडवांस तब तक के अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखना बाय बाय टेक केयर सी यू और मैंने चेंज कर लिया है और अभी हम लोग जाके बाहर ऐसा अभी मेरे को ना शूट करने की जरूरत भी हिम्मत नहीं है थोड़ा एंजॉय करके आएंगे उसमें कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताओ
रुक ना मैं ड्रेस दिखा रही हूँ। चेन लगा दी इसकी। हाँ अच्छा लग रहा है ये सारा ड्रेस है ना। अरे चलो प्लान करो प्लान खाली आप प्लान करते हैं अभी आज ही करते प्लान। आज तो प्लान करते बैठ के मस्त। कहाँ जाना करते ठीक क्या हो बेटा कौन सा प्लान वो सीखा तो तुझे बद सुबह सुबह बदल जाएगा इंशाल्लाह। और आप लोग भी कल बदल जाएगा ठीक है। तेरा सीक्रेट है तेरा सीक्रेट है क्या सीक्रेट है उन लोग की दुआओं की वजह से ही वो तो ही हम लोग उस स्टेट प्लान कर सकते हैं। तो दुआ पर करा रखो इससे प्यार करते रहो एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग अस थैंक यू सो मच वंस अगेन। सच्ची में हैप्पी दिवाली अपने व्यूअर्स जो जेन्युइन व्यूअर है जो प्यार करते ना उनसे सीक्रेट रखा ही नहीं जाता है। हां बट एक दिन तो वेट कर सकते हैं ना आजा मेरा बच्चा। चलो मैं ज्यादा परेशान नहीं कर पाती लोग को। और ये ना आजम मेरा बच्चा ना बहुत किरकिरी हो गया है जिद मनवाता है मैं चाहता मैं सामने ही बैठा रहूं मैं जाऊं ही नहीं बैठ इधर बस रह इधर बैठ यू आर इन टू गुड इन सिटिंग हियर टेक रेस्ट। हां आई एम आता हूं आई एम आता हूं हां आई एम आता हूं मैं आई एम आता हूं चलो।